आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हे एवरीवन आज आपका क्वेश्चन है वो क्या इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस इन ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद दैट प्री वर्ड आपको क्या करना है गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट वर्ड चूज करना है क्वेश्चन देखते हैं चलो क्या है यहां फिल करना है इज नॉट वेल विद हर एक-एक करके ऑप्शंस को हम देखते हैं चलो ठीक है जब आप बात करते हो दिस की दिस एक्चुअली हम क्या करता है दिस उन चीजों को रेफर करता है जो आपके पास में है ठीक है रेफरिंग टू नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ठीक है चलो ये जैसे दिस इज द कप आई हैव ब्रॉट ऐसा कुछ करके ठीक है चलो आगे चलते हैं अब जब आप बात करते हो ऑलवेज की तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है समथिंग दैट इज फॉरएवर ऑलवेज मतलब हर पॉइंट में हर सिचुएशन में वो चीज हो रही है तो आप बोल सकते हो इन अ स्मॉल सेंस की कोई चीज रिपिटेटिव है ठीक है चलो भाई ये भी समझ में आ गया हमें फिर हम चलते हैं इट में तो देखो इट क्या होता है इट आपका तब यूज होता है जब आपको किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को मेन क्लॉज में दिखाना हो ठीक है रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट या आप बोल सकते हो सब्जेक्ट इन मेन क्लॉज इनको दिखाना हो ये भी हमें चलो भाई समझ में आ गया अगला हम देख लेते हैं अगला है आपका ऑल अब देखो यहाँ से ऑल का बेसिकली मतलब क्या होता है ऑल आप तब यूज करते हो जब आपको ग्रुप में कई सारी चीजें दी गई हो एंड आपने ग्रुप को एज अ होल लिया और सारी चीजों को सिलेक्ट कर लिया तो आप बोल सकते हो एज इन फुल ग्रुप ठीक है अब यहाँ पे दिस इज नॉट वेल यहाँ पे आप किसी चीज को रेफर थोड़ी ना कर रहे ऑलवेज इज नॉट वेल वेदर देखो आपने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी ऑल इज वेल मूवी तो देखी होगी ना सबने